गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिजनेसमैन के लिए आईटीआर की फॉर्म आईटीआर 4 सुगम। अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 का इनेबल कर दिया गया है। क्या क्या चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, किन किन बातों का आप इस बार आईटीआर में फिल करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने GSTR 9 जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होनी है, उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 7 जून 2020 को रखा गया है GST प्लेटफॉर्म की टीम के द्वारा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे डायल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास ITR 4 है, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 4S असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर किन चीजों के लिए हम लोगों की रिक्वायरमेंट मांगता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। ये फॉर्म जो है एक इंडिविजुअल भर सकता है, HUF फाइल कर सकता है या फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म फाइल कर सकती है। LLP के अलावा वो फर्म होनी चाहिए। बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, इंडिविजुअल HUF या फर्म जिसका टोटल इनकम 50 लाख रुपीज या उससे कम हो, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन which is computed under section 44AD, 44ADA और 44AE। यानी कि अगर आप presumptive taxation में जाते हैं तो आपको ITR 4 जो है वो फाइल करना है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं लेकिन किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं या आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, तो आपको ये वाला फॉर्म नहीं फाइल करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, चाहे आप प्रिजेंटिव में हो या आप नॉर्मल बिजनेस ही करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो टेबल्स दिए गए, इंस्ट्रक्शन वाला टेबल, जनरल इंफॉर्मेशन वाला टेबल, जो ये सारे टेबल्स हैं ये आपको ITR 1 जो हमने ऑलरेडी अपलोड करा है डिटेल्ड में, उसके अंदर हर एक टेबल के बारे में डिस्कस किया गया है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उसमें रेफर कर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर जो चीजें आपको समझनी है वो है हमारे पास बिजनेस प्रोफेशन का टैब, क्योंकि ITR 4 में सारी चीजें इसी टैब के अंदर डिटेल्स में भरनी होती है। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे डालना होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो जो हमारा शेड्यूल BP है, इसमें सबसे पहला कॉलम है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्प्टिव बिजनेस अंडर इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्प्टिव बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD। यानी कि 44AD में अगर आप जाते हैं तो आपको कॉलम नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ बिजनेस, जो आपके बिजनेस का नाम है वो डालना है। बिजनेस कोड क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, जैसे कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस कोड है आप यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपना ट्रेड नेम जो है वो डाल सकते हैं या नेचर ऑफ बिजनेस, उसका आप यहाँ पर डिटेल्स जो है वो डालेंगे। ये डिटेल्स फीड करने के बाद आपको टर्नओवर डिटेल्स भी डालनी है। टर्नओवर डिटेल्स में क्या डालना है, ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है, अगर आप कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपका टर्नओवर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में कितना आपका ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है, उसको आप यहां पर बाइफरकेशन रूप में डालेंगे। बाइफरकेशन किस तरीके से होगा, सबसे पहला बाइफरकेशन है E1 के सब कॉलम A के अंदर। यहां पे आपको पता होगा कि 44AD जो सेक्शन है वो कहता है अगर आपका टर्नओवर, या तो वो कैश में आएगा पैसा या वो आप अदर देन कैश मोड में लेंगे, अगर वो बैंकिंग चैनल से ना आके कैश मोड में आएगा तो उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट मिनिमम रखना पड़ेगा आपको। अगर अदर देन कैश मोड में है तो वो आपको 6% रखना पड़ेगा मिनिमम। तो यहाँ पे बाइफरकेशन आपको अकॉर्डिंगली फीड करना है। सबसे पहले है E1A में, थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर द स्पेसिफाइड डे। यानी कि अगर बैंकिंग चैनल से जो टर्नओवर हुए हैं उसका आपको यहां पर फिगर्स डालना है। लेट सपोज आपका जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ है 80 लाख रुपए का, जिसमें से 50 लाख रुपए का टर्नओवर आपको बैंक के थ्रू हुआ है, तो यहां पर आप डालेंगे 50 लाख का अमाउंट। अगर आपका 30 लाख का जो टर्नओवर है वो अदर देन बैंकिंग चैनल्स, एनी अदर मोड वाला जो ऑप्शन है, या तो कैश में हो सकता है, तो आपको यहां पे डालना है
30 लाख का अमाउंट, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 80 लाख का टर्नओवर, जो कि आपके जीएसटी रिटर्न से मैच होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न से मैच होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा अभी नीचे इसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद ये हमने टर्नओवर डिक्लेयर करा, उसके बाद प्रिजम्प्टिव इनकम सेक्शन 44AD में कम से कम आपको जो आपने बैंकिंग चैनल से सेल्स टर्नओवर दिखाया है उसका 6% प्रॉफिट आपको दिखाना ही होगा। अगर उससे कम दिखाएंगे तो आप मैंडेटरी ऑडिट में चले जाएंगे सेक्शन 44AD। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 50 लाख का जो टर्नओवर है इसका लेट सपोज हमारे पास 3 लाख का प्रॉफिट जो है वो 6% बनता है। आप 6% या उससे ऊपर कोई भी फिगर दिखा सकते हैं, उससे नीचे आप नहीं जा पाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रिजम्प्टिव इनकम जो होगा वो कितना होगा, 6% ऑफ E1A और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्नड व्हिच एवर इज हायर, या तो 6% या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों में से जो हायर होगा वो फिगर यहां पे लिखना है। 6% किसका, E1A का, और E1B के लिए 8% ऑफ E1B, क्योंकि ये अदर देन बैंकिंग चैनल्स है। तो ये 30 लाख का जो फिगर है इसका आपको निकालना होगा 8%, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2,40,000। तो टोटल जो हमारा इनकम हो गया प्रिजम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD वो हो गया 5,40,000 का। अकॉर्डिंगली आप यहां पे देख रहे हैं इनकम इज लेस देन द अबव परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसीट, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज टू बी फाइल। इन दैट केस आपको 44AB में ITR जो है वो फाइल करना होगा और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी आपको लगानी पड़ेगी ऑडिट करवाने के बाद। तो ये हो गया सेक्शन 44AD का। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है 44ADA। ये तो हो गया जो हमारे पास बिजनेसमैन होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल है, छोटे प्रोफेशनल है जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक है, तो उसके लिए भी प्रिजम्प्टिव में जाने का ऑप्शन रहता है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेक्शन 44ADA के अंदर कंप्यूटेशन करने का मौका दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको प्रोफेशनल रिलेटेड सर्विसेज जो है वो दिखाई जाएंगी। लेट सपोज आप अकाउंटेंट का काम करते हैं, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप एक लीगल बिजनेस के अंदर है, या मेडिकल है, या टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर देखेंगे तो कोड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। लेट सपोज हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अकाउंटिंग की बिजनेस आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो कॉलम नंबर E3 है ग्रॉस रिसीट्स, टोटल यहां पर टर्नओवर वर्ड यूज नहीं किया गया क्योंकि प्रोफेशनल्स के केस में टर्नओवर नहीं होता है, वो ग्रॉस रिसीट्स ही रहता है। अब लेट सपोज हमारा टर्नओवर जो है, लेट सपोज हमारी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो है 40 लाख रुपीस। अब यहां पर आप देखेंगे तो 6% या 8% का कंडीशन नहीं है, यहां पे कंडीशन है प्रिजम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA 50% ऑफ E3। यहां पर आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है 50% का, चाहे वो कैश मोड में आ रहा हो, चाहे वो आपके बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जितना आपका ग्रॉस रिसीट्स है इसका मिनिमम आपको दिखाना है 50%। 50% से कम दिखाएंगे तो आपको मैंडेटरी ऑडिट में जाना पड़ेगा। तो यहां पे हमने दिखा दिया है 20 लाख रुपए। तो यहां पर आप देखेंगे प्रिजम्प्टिव इनकम जो है 50% ऑफ E3 और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्नड व्हिच एवर इज हायर करके हमने यहां पर फिगर्स पुट अप किया है। तीसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 44AE। ये बेसिकली बात करता है GTAs की, जो ट्रक ओनर्स हैं या जिनके पास 10 ट्रक से कम है और वो अपना इनकम जो है प्रिजम्प्टिव बेसिस पर डिक्लेयर करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्योंकि इसमें टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा भाग जाती है। किस तरीके से होता है वो देखिए। सिमिलरली यहां पे आपको बिजनेस कोड लेना है, तो यहां पे कौन कौन से बिजनेस कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंटिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, अगर आप लैंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को रेंट पे देते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स का आप काम करते हैं तो आप जा सकते हैं, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट आपके लिए रहता है, कार्गो हैंडलिंग एंड रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेट का ऑप्शन जो है वो सारे आपको बिजनेस कोड में दिए जाते हैं। इसके बाद आपको ट्रक वाइज ट्रक डिटेल्स जो है वो अपलोड करना है, यानी कि आपको सबसे पहले डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज, जो आपका गुड्स कैरेज है उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ट्रक का क्या, गाड़ी का नंबर है, वो डालना है। अब यहाँ पे चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे वो आपका लीज पे हो, चाहे वो हायर्ड हो, तीनों ही कैटेगरी में आप सेक्शन 44AE जो है वो ऑप्ट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली ओन्ड लीज्ड या हायर्ड वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद है टनेज कैपेसिटी ऑफ गुड्स कैरेज। 44AE में
टनेज के बेसिस पे जो कंप्यूटेशन होता है, इसके बाद अनड्यू प्रेशर जो है लाइबिलिटी की बन जाती है टैक्स पेयर्स के ऊपर। लेट सपोज आपका जो ट्रक है उसका जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर ग्रॉस व्हीकल वेट जो मेंशन किया रहता है, लेट सपोज 23,000 टन का या 23,000 केजीज का मेंशन किया गया है, तो आपको यहां पे लिखना है टनेज कैपेसिटी कितनी है, मेट्रिक टन्स के अंदर क्या कैपेसिटी है। लेट सपोज वो है 10 टन्स का। अब यहां पे आपको देखना है कि नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द गुड्स कैरेज वाज ओन्ड लीज्ड और हायर्ड बाय एसएससी, एक साल में कितने महीने वो आपने चलाया है, अंडर सेक्शन 44AE के अंदर ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। प्रिजम्प्टिव इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें प्रिजम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44AE फॉर द गुड्स कैरेज कंप्यूटेड एट रुपीज 1000 पर टन पर मंथ, 1000 रुपए पर टन पर मंथ के हिसाब से आपको प्रिज्यूम करना होगा, चाहे आपकी एक्चुअल में कुछ भी प्रॉफिट हो रही है उससे कोई लेना देना आपको नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपका 10 टन का है, और यहां पर एक चीज देखनी है आपको, इन केस टनेज एक्सीड्स 12 मेट्रिक टन, अगर आपकी जो गाड़ी है उसका टनेज कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन से ऊपर है तो आपको 1000 पर टन लेना है, लेकिन हमारे पास यहां पे क्या है 10 मेट्रिक टन जो कि 12 से कम है, और else 7500 पर मंथ और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन एक्चुअली अर्न, अगर 12 मेट्रिक टन से कम है तो आपको 7500 पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आपका 12 टन से कम है तो 7500 पर मंथ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 90,000। लेकिन अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 टन हो जाता तो यहाँ पे कैलकुलेशन एंटायर तरीके से चेंज हो जाती। 20 टन्स इंटू 1000 इंटू 12, 2,40,000 का प्रिजम्प्टिव इनकम जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाना पड़ता, सब्जेक्ट टू कि एक्चुअल में इससे ज्यादा है या इससे कम है। तो आपको ये टनेज कैपेसिटी वाला सेक्शन 44AE के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, और टनेज कितना है, 10 है, 12 है, 12 से ज्यादा है या कम है, अकॉर्डिंगली आपको 44AE में सारी फिगर्स को दिखाना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स, अगर सैलरी और इंटरेस्ट कुछ पे करा है तो वो आपको दिखाना है। अकॉर्डिंगली 44AD, 44ADA एंड 44AE के अंदर जो तीनों टोटल इनकम है वो एड होने के बाद आपको कॉलम नंबर E8 में दिखाया जाएगा, जो कि 27,80,000 रुपए का बनता है। इसके बाद आपको यहां पर जीएसटी से रिलेटेड डेटा जो है वो फिलअप करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये देखिए क्या मेंशन करना है, फर्निश द इंफॉर्मेशन बिलो फॉर ईच जीएसटीएन नंबर सेपरेटली। जिस पैन के लिए आप आईटीआर फाइल करते हैं उस आईटीआर के लिए, उस पैन नंबर के लिए मल्टीपल जीएसटीएन आपने लिया है तो हर एक जीएसटीएन नंबर के लिए आपको उस जीएसटी में कितना टर्नओवर आपने डिक्लेयर किया वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहां पे टर्नओवर डिक्लेयर करें, लेट सपोज यहां पे मैं एक जीएसटी नंबर डालता हूं और उस जीएसटी नंबर के अंदर जो हमारा टर्नओवर डिक्लेयर है वो हमारे पास मैच करना चाहिए, कौन से फिगर से वो हमारे पास मैच करना चाहिए जो हमने 44ADA के अंदर टर्नओवर दिखाया, यानी कि 80 लाख रुपीस 44AD में, 44ADA के अंदर हमारे पास है 40 लाख रुपीस का, 1,20,00,000 का, इन दोनों सेक्शंस में आ गया। और इसका जो टर्नओवर है 44AE के अंदर, लेट सपोज आपका 40 लाख का ये भी था तो 1,60,00,000 का टर्नओवर आपकी GSTR 3B रिटर्न से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स का टर्नओवर जीएसटी के टर्नओवर से मैच करवाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको आईटीआर 4 जो है बेहद सावधानी के साथ फाइल करना है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ डेटा जो है वो फाइल करना है। इसके अंदर है क्या क्या, फाइनेंशियल पर्टिकुलर, जैसा कि पार्टनर्स का कैपिटल अगर पार्टनरशिप फर्म है, सिक्योर्ड लोन्स कितना ले रखा है, अनसिक्योर्ड लोन्स अगर आपके पास है, एडवांसेस कुछ है तो वो, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स होती हैं वो यहाँ पर आपको भरनी है। एसेट्स से रिलेटेड जो डेटा है वो फिक्स्ड एसेट्स कितना है, इन्वेंट्रीज क्या है, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विथ बैंक्स, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स।
इसके अंदर सारे फिगर्स आपके पास मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी कौन कौन सा फील्ड है, प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग आउट दी शेड्यूल। E5, E19, E20, E22 आर मैंडेटरी एंड अदर्स इफ अवेलेबल। इन चारों के अलावा बाकी जो है ऑप्शनल है। कौन कौन से मैंडेटरी है? E15 यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको डालना ही होगा, अगर नहीं है तो जीरो डालिए। E19 इन्वेंटरीज का डिटेल्स आपको डालना ही होगा। E20 के अंदर डेटर्स आपको डालना ही पड़ेगा और E22 कैश इन हैंड कितना है, ये सारे फिगर्स जो हैं आपको डालने हैं शेड्यूल बीपी के अंदर अगर आप ITR4 सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका टैक्स डिटेल वाला कॉलम है, जितना हमने कंप्यूटेशन के अंदर डाला है वो, और जो आपका TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, ये सारी चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट कर दी जाएंगी और टैक्स पेड जो बनेगा वो आपको थर्ड शेड्यूल में दिखाया जाएगा। उसके बाद ये शेड्यूल DI जो है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको ITR1 के अंदर बताया है कि किस तरीके से आप शेड्यूल DI में फिगर भरेंगे, कौन सा सिचुएशन होगा, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच इन्वेस्टमेंट होती है, उन सारी चीजों की बात हो रही है। जब शेड्यूल बीपी आप भरेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो ITR का मेन फॉर्म है, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर बिजनेस इनकम आ गया है। अगर सैलरीड है तो आपको सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स जो है आपको यहां पर डालना है, किस तरीके से सैलरी का डिटेल्स जाता है वो हमारी ITR1 की वीडियो में ऑलरेडी डाला गया है कि कौन कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आपको टैक्सेबल होते हैं, उन सारी चीजों को डालते हुए आप अपना ITR जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि इनेबल कर दिया गया है फाइलिंग के लिए। तो अगर आप फाइलिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को रेफर करके फाइलिंग कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ITR4 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 में क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है फाइलिंग से पहले। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।